नमो जयनम नमो लोइशविषम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदुकुंदातियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम नमो निजिनम वीराम अनंत वर्णानुदंसन साहाबम बोचामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम सर्वाग्रे शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते यही भाव अविछिन्न रहता है मन में सर्वभाग्य शासन जयवंत। नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की परम पूज्य जैन शासन की धन्य भी नहीं जिनको बाहर की सुविधाएं मिलती हैं, धन्य भी होते हैं जिनको सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है, धन्य भी हैं इंद्रियां मिली ये धन्य नहीं, आंख मिली सो धन्य नहीं, जिन रूप देखने को मिले सो धन्य है, और जिन रूप देखने को मिला सो धन्य है ऐसा तो व्यवहार कहता है, पर जिन रूप देख करके जिनने चिद्रूप को देखा वे धन्य है। जिनेन्द्र के सन्मुख आए और जिनेन्द्र के दर्शन ना कर पाए तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। हमें आश्चर्य होगा अगर हम भगवान के पास आए और भगवान के पास ना आ पाए। समझ में आया? जिनेन्द्र के सन्मुख आए और जिनेन्द्र के दर्शन ना कर पाए। कोई नंदीश्वर धाम में जाए और वे वनों को ही घूम करके चला आए और नंदीश्वर ना देख पाए तो अभागा होगा कि नहीं होगा। जैसे नंदीश्वर में आने के बाद में अगर यहाँ से कोई साधर्मी यहाँ कहने लगे आप कहाँ गए थे कि हम नंदीश्वर गए थे, नंदीश्वर के दर्शन करे आए कि नहीं करे आए, को तो हमने करे नहीं, ओहो नंदीश्वर में जा करके नंदीश्वर के दर्शन नहीं किए तो तुम आश्चर्य लगेगा लोगों को। ऐसे ही जिनेन्द्र के रूप के सन्मुख आए, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए, और जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं किए तो तेरे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन अधूरे रह जाएंगे। जिन सोई है आत्मा अन्य सोई है कर्म, इसी बात से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। जिन है वह आत्मा है, आत्मा में और जिनेन्द्र में कोई अंतर नहीं है। जो जिनेन्द्र को देखना है तो जिनेन्द्र के दर्शन कैसे होते हैं कि जिनेन्द्र के दर्शन इंद्रियों से होते हैं ऐसा नहीं है, जिनेन्द्र के दर्शन तो इंद्रियों से अतीत होने पर होते हैं। द्रविंद्री, भाविंद्री, इंद्री के विषय से रहित अतीन्द्रिय भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय ज्ञान में ही जितेंद्रिय भगवंतों के दर्शन होते हैं। इसलिए हम यात्रा को निकले हैं, हम भगवंतों के दर्शन को निकले हैं। हमारे आत्मानंद जी बाबा जी थे, पंडित जी साहब सुनाते हैं, आपके यहाँ तो होता है। हाँ, हमें हमारे धर्मात्माओं को हमारे कहने की थोड़ी आदत है। आप ऐसा मत समझना इनके पंडित जी हो गए, इनके पंडित हमने कहा हमारे टोडरमल जी कहते हैं तो तुम्हारे टोडरमल जी हो गए, हमाओ कोई बचो के नहीं बचो के, तुम अपनो मानो, हम कम मने कर, हमें ये लौकिक जन अपने नहीं लगते। हम तो ये कहेंगे हमारे सचिन भैया, हमारे संजय भैया, बल्कि हमारे लौकिक भाई जो धर्म रुचि से रहे तो उनको अपना कहते हुए शर्म आती। सही बोला, जो धर्म रुचि से रहे तो उन्हें अपना कहते हुए शर्म आती है। तो ऐसा मत समझना इन्हें तो आत्मानंद जी को देखा ही नहीं होगा, आत्मानंद जी तो हमारे यहीं रहे हो, जो कह रहे हैं हमारे आत्मानंद जी। तो बाबा जी कहा करते थे एक बार सब तीर्थों की वंदना करने जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने गए तो ऐसा नंदीश्वर जैसा विशाल धाम दर्शन करते 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 बाबा जी सब प्रतिमाजियों के दर्शन कर रहे थे। अंत में जान तो क्या रिजल्ट निकाला, एक हम ही हैं जो भटक रहे हैं, सब अपने अपने में बैठे। क्या रिजल्ट निकाला उनने, सब दर्शन करने के बाद एक हम ही हैं जो हम भटक रहे हैं, वास्तव में सब अपने अपने में बैठे। जो अपने में बैठे हैं वे ही सुखी हैं। आपको पता है जब आप त्रिकाल चौबीसी के दर्शन करते हो तो भूत के भगवान कैसे बनाए जाते हैं, भूतकाल की चौबीसी, भूतकाल की चौबीसी की प्रतिमा कैसी बनेंगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। भविष्य काल के भगवंत, वर्तमान के भगवंत, विदेश क्षेत्र के भगवान, वैसे के वैसे। क्या समझ में आया? पंडित साहब एक बात करते हैं अपने कि चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो, सुखी होने का एक ही उपाय है। जो भी सुखी हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे सब अंतर्मुख होकर के ही हुए। मार्ग ही है, जिन प्रतिमा जी के सामने ये भावना बहाना चाहिए स्वरूप ही है, स्वरूप ही साधने योग्य है और ऐसे ही साधने योग्य है। स्वरूप मंद कुमार है, स्वरूप यही है और यह स्वरूप ही साधने योग्य है, माने ये इंद्री ये कर्म नो कर्म साधने योग्य है और ऐसे ही साधने योग्य है। इसलिए भैया भगवान के निकट आए हैं, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। जो भाई लोग निकले जबलपुर से बता रहे थे, हमको तिरता हुआ विश्व के ऊपर तिरता हुआ तत्व देखना ही तीर्थ यात्रा का सार्थक पना है। तीर्थ तत्व में है सदा, तीर्थ तत्व के लिए है। हम तीर्थ पर आए हैं तो तीर्थ किसके लिए है? आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि तू तत्व की प्राप्ति करना चाहता है तो तीर्थ में प्रवर्तन कर। अगर व्यवहार को छोड़ेगा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा और परमार्थ को छोड़ेगा तो तत्व का लोप। तो जो तीर्थ है वो तत्व के लिए है। वहां तीर्थ का अर्थ व्यवहार भेद करके समझाने की सब व्याख्याएं हम इस अपेक्षा से समझते हैं। तीर्थ तत्व के लिए है, यानी आपकी तीर्थ यात्रा तत्व के लिए होना चाहिए। और तत्व मतलब तत्वों नहीं लिखा, तत्व लिखा है, तो तत्व मतलब एक। कथा वाले वैसे बहुत से लोग आ गए, जब तक आ रहे तब तक और अपन आप ये मत समझना कभी भी मैं अगली बार भी आऊंगा कि मैं प्रारंभ कर देता हूं तो पंडित जी भूमिका बना रहेंगे, भूमिका ही में मैं मुख्य बात कह दूंगा, फिर मैं सरल हो जाऊंगा। मुझे सूक्ष्म बात जो करनी है, गहरी बात जो करनी है, वो शुरू में कर लूंगा, क्योंकि मेरी एक मान्यता है जो समय से आकर के बैठ गया है वो समय सार का आराधक है। पंडित जी साहब कहते हैं जो समय सार का आराधक है वो समय का विराधक नहीं हो सकता। और समय सार के आराधकों की चर्या से लोग अपनी घड़ियां मिला लेते, तो ना तो वे उस समय के विराधक हैं और ना समय के विराधक हैं। इस समय अर्थात एक टाइम को समय कहते हो और एक समय का अर्थ शुद्धात्मा, उनका सब कुछ। मैं भाई लोगों से कह रहा था कि मुझे अगर 2 मिनट भी मैं बाद में तो खिंच जाए बात, वो आप लोगों के कारण ले लेता हूँ। बाद बाकी मुझे ऐसा लगता है पंडित साहब ने एक बार कहा था कि आप 5 मिनट लेट हो गए तो ये 10 लोग बैठे हैं तो उनके 5-5 मिनट बर्बाद हो गए तुम्हारे में से, तो उसका दोष तुम्हें लगे, ऐसा बोले थे। तब से बुद्धि पूर्वक जहां तक बल बस बन चले वहां तक ये प्रयत्न करते हैं कि अपन अपनी तरफ से लेट मत हो, और आए तो मूल बात कर लो। तो क्या कह रहे भैया, तीर्थ है ना वो तत्व के लिए है, और तत्व का अर्थ है अजीब के लिए नहीं है तुम्हारी तीर्थ यात्रा भैया, अजीब के लिए नहीं है। तो पुद्गल मत देखते रहना, पुद्गल की व्यवस्थाओं को मत खोजते रहना। धर्म अधर्म आकाश कालीन के लिए नहीं है, आश्रव के लिए नहीं है, आश्रव में अशुभ आश्रव के लिए तो यही नहीं है, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर निकले हो। परंतु सूक्ष्म बात करें तो मात्र शुभ आश्रव के लिए भी, आश्रव के लिए नहीं है, बंद के लिए नहीं है। बंद कौन सा, पुण्य बंद या इनके बंद के लिए यात्रा नहीं है, ये तो निर्बंध की यात्रा है। ये तो उनसे मिलने आए हैं जो अपने से मिल रहे हैं, जो हमें अपने से मिला दें वे अपने हैं ना, अपने भगवंतों से, अपने आत्मा से मिला दें। पुण्य पाप के भावों के लिए नहीं है। संबर निर्जरा और मोक्ष की निर्मल पर्यायों की मात्र भावना करता रहे और निर्मल तत्व को ना देखे तो ये यात्रा किसके लिए है, उसके लिए है जिसके आश्रय से तुम तीर्थ बन जाओ। वो कौन है, वो भगवान परमात्मा है, विश्व के ऊपर त्रिताद्रिप है। सबके रोग दूर हो गए थे, कथा में आते हैं, रोग दूर हो गए थे, लोग धन्य धन्य कह रहे थे, क्योंकि ऐसा जीव जन्मा था जिसने औषधि दान दिया था। कौन सी कथा चला रहे थे, धन्य मुनिराज की कथा। जब वही कुमार धन्य ने जन्म लिया तो कहीं रोग नहीं, कहीं शोक नहीं, कहीं व्याधियां नहीं। धर्मात्मा जहां आया करते हैं वहां व्याधियां नहीं हुआ करती हैं, व्याधियां भागती हैं। कहो जहां व्याधियों को स्थान नहीं मिलता, व्याधियों को स्थान वहां नहीं मिलता जहां पापों को स्थान नहीं मिलता है। क्या हुआ उस कुमार धन्य, कौन सी नगरी थी भैया, अरे चंपापुर नहीं, हाँ बीत शोक तो कल हो गई थी। हाँ, निष्ठ सेन नाम के राजा, नंद मतबती नाम की रानी, नगरी का नाम ही नहीं दिया, हाँ? उनके माता पिता थे और ये भरत क्षेत्र था, वहां उन धन्य मुन कुमार का जन्म हुआ। लोग धन्य धन्य कह होते थे, क्यों, पूर्व जन्म में अशोक राजा के भव में पुण्य भी किया और पाप भी किया था। पूर्व में क्या पाप किया था, पूर्व में पशुओं को भोजन नहीं देने, मुंह पर मुसीका बोलते अपन गांव की भाषा में, बांध दिया करता था, घास तक नहीं खाने देता था। और उसी भव में फलाया। देखो भाई, पाप का उदय तत्काल आ जाए, पाप परिणाम का फल तत्काल आ जाए तो अच्छा है, हाँ कम से कम संभलने का अवसर होता है। थोड़ा सा कुछ उदय आ गया, राजा संभला, मुनिराज को दान दिया, उतनी औषधि थी कि चाहे तो शरीर को दे दो चाहे मुनिराज को दे दो। तो किसको दी उस राजा ने, देह छोड़ करके धन्य के भव में आया। औषधि दान के प्रताप से सब निरोगी हो गए, सब धन्य धन्य कह होटे। आगे की चर्चा करते हैं। सुनी प्रशंसा धन्य नाम ही, निपति नि दिया सुखकार, मंगलकारी संस्कारी देती माता अरे अविकार। युवा अवस्था माई उनका प्रवेश दिखाते हैं, मंगलकारी कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। युवा अवस्था में प्रवेश हो गया। बचपन से ही माता ने मंगलमयी संस्कार दिए थे। वो एक छोटी सी लोरी आज रात्रि को चलेगी है। वो माता मदन रेखा, इसकी कथा सुनाने जा रहे हैं ना, जंगल में अपने बालक को सुलाएंगी और क्या लोरी सुनाएंगी, वो रात्रि को ही सुनाएंगी हैं। तू पहले से ही शुद्ध, किसने से अंतर जान, जो अंतर्मुख होते हैं वो ही तुझको पहचाने। ज्यों सिद्ध सिद्धालय राजे, वैसाई मेरो ललिना, चौगति में नाई ब्रह्मना, ध्रुव पंचम गति को पा। तू पहले से ही शुद्ध। क्या कह रही हूँ माता? यहाँ धन्य का प्रसंग लेना, बालक धन्य का तो माता गोदी में लिए हैं और क्या कह रही हैं कि भाई तू तो पहले से शुद्ध है। प्रागे व शुद्धा, कुदी और सुदी दोनों जीवों में पहले से ही शुद्धता है। मैं किसने से अंतर जानूं? क्यों भैया, सीता जी जो पवित्र हुई थी वो अग्नि परीक्षा के बाद हुई थी कि पहले से शुद्ध थी? कितने समर्थक हो भैया। मुझे मालूम है पुराण नहीं चलाऊंगा तो ऐसी धूप में आप पाओगे नहीं, इसलिए मैं पुराणों को ले रहा हूँ, नहीं तो दोपहर में आप शरण में होते निद्रा देवी की, उसको छोड़ करके आप आए हो तो चलाऊंगा। लेकिन ये भी पुराण है भाई, तुम्हारा जीवन दिखाने के लिए। हम पुराण पुरुष कैसे बने? तो अभी तो एक एक शब्द, एक एक थोड़ा थोड़ा अध्यात्म। जब पुराण के साथ मिला हुआ अध्यात्म इतना अच्छा है तो प्योर अध्यात्म कैसा होता होगा? भागने की जरूरत कहाँ है उससे हैं? जैसे मिश्री जो मीठी होती है वह स्वयं से मीठी है, और व्यंजन जो मीठे हैं वो सब मिश्री से हैं। समय सार स्वयं रसीला है और कथा का जो रस है वो समय सार का है। अन्य जगह जितना पूजा में जो रस है वो समय सार का है। समय सार मतलब शुद्धात्मा का है। जहां वो डल जाएगा वही रसीली हो जाएगी, और तीर्थ यात्रा रसीली हो जाएगी जिसमें समय सार आ जाएगा, वो सर्व तेरा रसीला हो जाएगा। अपने पंडित जी लिखते हैं कि जब आत्मा का ध्यान, आत्मा धर्म होने पर, धर्म प्रकट होने पर फिर द्रर्थ ताप पूजा नियम संयम सब धर्ममय हो जाएं। पहले तो कहा वहां धर्म नाई, वहां धर्म नाई, वहां धर्म नाई, फिर जब स्वरूप की दृष्टि हुई तो सब धर्ममय हो गए। तो माता ने ज्ञाता की महिमा दिखाई कि बालक तू तो पहले से शुद्ध है, तू पूरे प्रागेव भगवान है। और ऐसे मंगल संस्कार दे रही थी अतीन्द्रिय। तो पूरा उदाहरण सीता जी का कर ही दें तो कि सीता जी पहले से शुद्ध थी, लेकिन कुछ मूढ़ लोग थे उनको जो अशुद्ध दिख रही थी। लेकिन धर्मात्मा वज्रजंगा देखो तो सीता पहले से ही शुद्ध दिख रही थी, तभी तो वो जंगल से ले गए थे। 4-5 साल पहले ले गए थे ना, पहले आए थे ना, तो सीता जी का वनवास लिया था अपन ने पूरा। कैसे उत्साह के साथ ले गए थे, और वहां जा करके अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा के बाद में माता सीता जी शुद्ध हो गईं। ऐसा कहा, कौन ने कहा? जगत के लोग कहने लगे धन्य है सीता, धन्य है सीता, लेकिन ज्ञानी तो पहले से ही सीता जी को धन्य धन्य कह रहे थे। केवल ज्ञान वास्तव में तो अग्नि परीक्षा ने सीता जी की शुद्धि की प्रसिद्धि की, पर सीता जी तो पहले से ही शुद्ध थी। भगवान आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है, केवल ज्ञान ने तो भगवान आत्मा की शुद्धि की, केवल ज्ञान ने तो भगवान आत्मा के भगवत पने की, ये भगवान थे। प्रभुता आत्मा में ना होती तो कैसे प्रगटे हुई स्वामी, पर प्रगटे हुई साक्षात देखे तो परिणाति में अंतर्यामी। गुरुदेव श्री कहते हैं कि अगर वो लेडी पीपर में तिखास ना हो तो घिसने पर कैसे निकल आए, चकमक पत्थर में आग ना हो तो घिसने पर कैसे निकल आए। ये तो भगवान आत्मा में यदि भगवत पना ना हो तो केवल ज्ञान होने पर वो भगवत पना कहां से आ गया। अपने पंडित जी कहते हैं, टोडरमल जी हैं, क्या कहते हैं कि आपने कैसे जाना कि ये कर्म भिन्न है अनादि से। संजय भाई साहब, आपने कैसे जाना कि जीव भिन्न है और कर्म भिन्न है। आप कह रहे दोनों का अनादि का संबंध है और दोनों अनादि से ही हैं, तो आपने ये कैसे जाना कि दोनों अनादि से हैं लेकिन दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो क्या उत्तर दिया बोलो भाई, कि जब भिन्न हुए तो जाना कि जी पहले से ही दो भाई थे, आपस में रह रहे थे और ऐसा करते करते दो चार दिन बाद हैं और एक अलग रहने लगा, वो अलग रहने लगा। तो आप लोगों ने कहा जाना कि पहले से इनकी खटपट हो गई हुई, मानो जो पहले से ही देख तो एक रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ। उदाहरण आता है ना लोक में, दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। देखो कल का आता नियत अर्थ खड़ा नहीं होगा तब तक आपका प्रेम वात्सल्य बना रहेगा। अब वो छोटे भाई के भी अभी तक तो भैया के पुत्रों को ही अपना पुत्र समझ रहा बड़ा इसने, बाद में अपना पुत्र भी होगा तो थोड़ा अंतर पड़ गया उसको। अंतर पड़ा तो एक दिन का दिन है कि वो आमला लेके आया तो भाई का पुत्र भी दौड़ा आ रहा, वो अपना उसका पुत्र भी दौड़ा आ रहा, चाचा चाचा वो पापा पापा करता दौड़ा आ रहा। तो उसने सोचा अरे एक आम छोटा एक बड़ा है, ये छोटे आम तरफ तो मेरा पुत्र है और बड़े आम तरफ तो भाई का पुत्र है। तो उसने जानता क्या किया, देख लिया इले रिकॉर्डिंग में, क्या समझ में आया लोगों को आटे पड़ गए आटे, ऐसे कर लिए, ऐसे किए। बड़ा भाई ऊपर से देख रहा था। धर्मात्मा समझदार लोग तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, एकदम आवेश में नहीं आ जाते, तुम में अकल नहीं, ऐसे वो कुछ नहीं, आराम से कुछ नहीं देख लिया उसने। देख कर को भोजन किया, बड़े आज से बात करी, दुकान पे गए, धंधे गए, चर्चा करी, फिर बाद में बोले भैया एक काम करो अब अपन थोड़ा तुम अपना अलग कर लो हम अपना अलग कर लें। तो बोले भैया बात कैसे, कब बात हो गई, कब बात हो गई, कोई कुछ हो गया क्या। कि भैया जब हो जाएगा तब बताएंगे क्या, आटे तो पड़ ही गए, समझ गए, आटे तो पड़ ही गए, अब क्या रखा है। सम्यक दर्शन होते ही आटे पड़ जाते हैं पुद्गल के साथ, है ना। अब पुद्गल कहते हैं अब हमें जान दो, अब महाराज अब कर्म, अब तुम आटे, तुम तो अपने को न्यारा देखते हो, हमें न्यारा देखते हो, अब रह के क्या करेंगे, अब उसके पास जाके जो हमें अपना माने। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर वास्तविक रूप से यहाँ ये कह रहे हैं माता ने मंगल संस्कार दिए उस धन्य बालक को और युवा अवस्था में प्रवेश हो गया। किनका, हाँ, बालक का नाम क्या था, धनी है। युवा अवस्था माई प्रवेश उनका दिखाते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी, अतीन्द्रिय रस के रसिया को नई इंद्रिय विषय सोआय। कौन सी अवस्था प्रवेश हो गई, लेकिन इंद्रिय विषय नहीं, अतीन्द्रिय आनंद, भगवान आत्मा आश्रय से झरता हुआ आनंद, स्वाद में आता हुआ आनंद। चख लिया था ना स्वानुभूति में चौथे गुण स्थान में है। अपने पंडित जी लिखते हैं ना टोडरमल जी, ऐसा अवस्था कौन से गुण स्थान विषय होए है, तो पंडित जी कहते चौथे से ही होती है। स्वानुभूति कहाँ प्रकट, हाँ कम अधिकता में अंतर है, परंतु अनुभूति तो चौथे में ही हुई। स्वानुभूति तो स्वानुभव तो चौथे में ही हुआ। अरे अनुभूति ना हो तो किसके बल पर वे प्रकृतियों को नाश करे, तो क्या हुआ? अतीन्द्रिय रस के रसिया कौन इंद्रिय विषय सोआय, ज्ञानानंद में शुद्धात्म बातें सबई पी के दिखाए, निज परिणति सो आत्म सुख में सबको दर्शाते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवनी बने बाय निरंतर यही भावना, कब निर्ग्रंथ दशा पाऊं। क्या भावना वार है? एकाकी निर्जन बनि माही कब शुद्धा, एकाकी निर्जन बनि माही शुद्धा तम ध्यान। कौन भावना वार है भैया? धन्य कुमार, कुमारी लगा दो कोई बात नहीं, अभी मनी अवस्था थोड़ी है। कह रहे हैं मैं कब भावना वाऊं, किसके बल पर भार है? राज्य अच्छा नहीं लग रहा, वैभव अच्छा नहीं लग रहा, बहुत साव इतना बड़ा राशि वैभव फीका लग रहा है, किसके बल पर? एक गायक के रस के बल पर। भगवान आत्मा के ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके हैं। भावार्थ में लिखते हैं पंडित जी, सब रस जगत फीका दिखता है जब आत्मा का रस आता है। आत्म अनुभव आवे और कछु न स्वावे है, तभी निपति विवाहे का आग्रह करते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी। कुमार अनेक राजागण अपनी कन्याओं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं वो? एतात अतीन्द्रिय रस को पीने में तो तड़फ रहा, मैं चाह रहा हूं, किसके लिए तड़फ रहा हूं? अंदर का आनंद पीने को तड़फ रहा हूं। भोगों के तो नाम मात्र से चित्त मारा कांप रहा, भोगों के नाम से तो कैसा क्या हो रहा है? जैसे नाक के नाम पर आप कांप जाते हो, ज्ञानी भोग के नाम पर कांपता है। हे तात, मेरा आनंद मेरे अंदर है, मेरा सुख का सागर मेरे अंदर है, मेरा शौक मेरा आनंद मेरी तृप्ति मेरे में है, मैं उधर नहीं, मैं तो अंदर का आनंद पान पीना चाहता हूँ। स्पर्शे प्रभु के स्पर्शन में आनंद झरते हैं, धन्य मुनि की आनंदमयी ब्रह्मचारी मुझको भाए तात। हे तात, मुझे तो आनंदकारी ब्रह्म स्वरूप में रमणता रूप ब्रह्मचर्य वाला। किनकी कथा सुना रहे भैया? योगावस्था है ना, विवाह की कह रहे हैं। क्या बोली? कैसा है ये विवाह? विपरीत बाह जिसके अंत में आय है, अति दुख में अति क्लेश में उसका नाम विवाह है। पंडित जी ने अर्थ किया था एक बार, विपरीत बाह, बाह मतलब खुशी। कैसी खुशी? विपरीत खुशी। अरे सम्यक खुशी तो ब्रह्मचर्य की होती है, संयम की होती है। भैया न्याय नीति से बरतने वाली खुशी को ही विपरीत कह रहे हैं, और तो अन्याय से रात्रियों में विवाह होने लगे, उल्टे सीधे कार्य होने लगे, वे तो महाविपरीत है। समझ में आया? उस न्याय नीति से बरतते हुए आप ब्रह्मचर्य के लक्ष्य पूर्वक संयमी साधकों की साधना में हम सेवा करेंगे। हम साधना नहीं कर पाएंगे तो सेवा तो करेंगे। दो काम ही मूल है, मूल तो साधना है, और साधना नहीं कर पा रहे तो सेवा, साधकों की सेवा करेंगे। जो साधक हैं आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है विवाह के बाद में। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, ताप, दान, षटकर्माणी, गृहस्थानाम, षटकर्माणी, दिने दिने। ये आपका अगर गृहस्थी में प्रवेश हुआ है तो गृहस्थाचारी ये सब नियम दिलाते हैं। गृहस्थाचारी समझ में आया? हाँ, जो विद्वान, गृहस्थ विद्वान जो विवाह आदि कार्य कराते हैं ना लौकिक पद्धति में, वह तो वो ये नियम दिलाते हैं। ए अभी तक तुम पूजा नहीं करते थे, लेकिन अब जिनेंद्र की पूजा करना तुम्हारा दैनिक कर्तव्य हो गया। अभी तक दान तो पिताजी के भरोसे थे, अब दान देना तुम्हारा। हाँ, वो जो धर्म परायण पहले ही कहेंगे हमारे यहाँ पात्रों को दान होता है, पात्र दान के योग। वो क्यों? उसका राग नहीं टूटा ना उस जाति का, अकेला वो ही राग थोड़ी। ये दान के, परोपकार के, ये सब भी राग नहीं टूटते तो वो गृहस्थी में रहता है। मंदिर बनवाना है, धर्मशालाएं बनवाना है, ये कार्य कौन करेगा? गृहस्थी तो करेगा। तो उस जाति का राग भी उसका टूटता नहीं है तो वो गृहस्थी में रहता है। साधकों की सेवा करना, अरे हम वो सेवामान नहीं अपना पाए तो जो उस मार्ग में बढ़ रहे हैं उनकी साधना में, उनकी सेवा में सहायता तो होंगे। जानते हो, धर्मायतन बनाना ही नहीं, धर्मायतनों को संभालना। चक्रवर्ती भरत ने धर्मायतन बनवाए और चक्रवर्ती सगर ने संभाला, सुरक्षा करवाई। ये नहीं कि उनने एक तरह कौन सी चौबीसी बनवाई थी कि वो उन्होंने कौन सी चौबी की स्थापना करवाई थी, वर्तमान की शायद है वो, हाँ, त्रिकाली चौबीसी की स्थापना कर पाई थी। तो अपन ढाई दीप वाला बनवाए और 11वें नंदीश्वर धाम बनवाए अपन, एक कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी तो उनने बनवाई। चक्रवर्ती जी का बहुत नाम हो रहा है। अब एक काम करो, अब भरत सगर चक्रवर्ती बनवाएंगे क्या कि वो नंदीश्वर धाम की स्थापना करवाओ, माँ एक और वैसा बनवाओ। उनने जो बना है उसकी संभाल करी, उनने बनवाया है तो हमें संभालना है। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनवाए हैं, ये धर्मायतन बने, हमारा कर्तव्य क्या है? संभालना है अपना मन वचन। जो हमारा समय भगवंतों की सेवा में जाए, धर्मायतनों की सेवा में जाए, सो धन्य है। अगर मंदिरों में जाले लगे हैं तो हमारे यहाँ कर्मों के जाले जरूर लगेंगे, ध्यान रखना। मंदिरों में धूल है तो कर्मों की धूल हमारे से दूर कैसे होगी भाई? उपाय बताया, क्या कह रहे ये तात? मैं तो आनंदकारी ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहता हूं, गृहस्थ जीवन मुझे नहीं जीना है। परमानंद पाने की आपसे अनुमति चाहते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी देख सुदृढ़ता। मौन हो गए निपति अरे सुकुकार। माता पिता ने जब दृढ़ता देखी तो मौन हो गए, कुछ नहीं कह पाए। बोले धन्य बेपा, बस तेरी जैसी भावना, हम तेरी साधना आराधना में अंतराय नहीं करेंगे। तभी नेमीश्वर का समव शरण आया अविकार। उसी समय कौन से भगवान? बोले नेमनाथ भगवान की समो शरण आ गया भगवान का। उसी नगरी में भगवान नेमिनाथ का समो शरण आया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो कथा है वो कब की है? नेमिनाथ भगवान के समय की। सुने उपदेश कुंवर धन्य जिन दीक्षा लेते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी गाथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल युवा वे अद्भुत तेज आनंदमयी मुद्रा। प्रचुर सुसंवेदनमय जीवन परमानंदमय मुद्रा। दर्शन मात्र से ही भव्य संयम को धरते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी। देखो, धर्मात्माओं को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, धर्मात्मा तो अपनी मुद्रा से ही धर्म की प्रभावना प्रचुर है। धन्य वो दिन आएगा जब मौन रह करके ही उपदेश देंगे। प्रभावना की भावना भाई है ना पंडित साहब ने है कि हे प्रभु, धन्य दिवस कब आएगा जब बोलना ना पड़े और मोक्ष मार्ग दिखाए। तो उनकी अद्भुत युवा अवस्था, एकाकी वनों में आत्म ध्यान मग्न, उनकी मुद्रा देख करके लोग दीक्षित हो जाते थे और वो मार्ग अपना लेते थे। ऐसा करते हुए लेकिन आहारे तो नगर में जाए पर हो जाए अंतराय। हार के लिए कहाँ जाते थे, क्या हो जाता था, क्यों हो जाता था? कल के कारण से। कल के कारण समझ गए? कल कथा सुनाई थी ना, कौन सी? पशुओं के मुख पर। दूसरे बम में अशोक राजा थे ना, तो इतने लोभी था वो राजा, सुनाया था ना कल, कितना लोभी था भैया। कल लाए थे कौन सी हरी टी शर्ट, नहीं आए। इतना लोभी राजा था कि पक्ष कर्जा प्रजा पे टैक्स तो लगाता था, लेकिन पशुओं को घास नहीं खाने देता था। अन्न तो छोड़ो, घास नहीं खाने देता, घास भी भरवा के बिचवा देता था। ऐसे बहुत से लोग अभी भी होंगे अशोक जैसे। हाँ, आज भी मैंने एक देखा, बेचारा दूर से एक सूकर पन्नी खा रहा, जो किसके कारण खा रहा है बेचारा। खाता गया, ऐसा लग रहा है इसको निकलवा दूं, जा करके क्या होगा बेचारा। क्यों? पन्नियां तुम उनको फेंक देते हो और जो कण बचते हैं, भोजन बचता है, वो नालियों में डाल देते हो। जो भोजन है, जो तुम्हारे खाने की चीजें हैं, वो तो कहाँ डाल देते हो तुम? नालियों में। और पन्नियां रहते सो रोड़ों पे फेंकते हो, और अगर एहसान भी करोगे तो उसी पन्नी में भर के फेंक दोगे। तो 4-10 दिन तक वो सड़ता रहे, और उसके बाद कोई पशु खाए तो पन्नी भी खा जाए, उसमें इल्लियां पैदा हुए। अरे रे, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, पंडित जी अपने टोडरमल जी कहते हैं। को निकाले, को जगह बनाए, को रखे। अरे रे भाई जी, हम जैसा देते हैं, जिस प्रकार दिया है उस प्रकार मिलता है भाई। ये तो नीति है, जिस भाव से दिया है उस भाव से मिलता है, जो दिया है वो मिलता है, जहां दिया है वहां मिलता है, जैसा दिया है वैसा मिलता है। अगर हमने अभिनय से दिया है तो कैसे मिलेगा? कोई भिखारी बेचारा भूखा प्यासा, ए बाबा एक रोटी दे दो, भूखा हूं। ज्यादा अक्ल मत लगाया करो, रोटी मांग रहा है तो दे दिया करो अगर भूखा है बेचारा। जे नहीं, ये रोटी बेच देगा, ऐसे तुम कहा लगाते हो। एक बार हमने किसी को दे दी रोटी, पंडित जी वो रोटी बेच देगा, बेच देने दो, ज्यादा नहीं, भूखा है बेचारा भाई, खाने लगा बैठ करके। अब वो आया भूखा बेचारा, और अपन ने 2 रोटी दे दी, उसको कुछ खाने को दे दिया, वो खाने लगा। तब तक दूसरा आया, उसको भी दे दी। अब वो तीसरा साहब भूखे हैं, गुस्सा आ गई, क्या हम ही मिलते हैं और कोई नहीं मिले? चले आते हो, लो अब आपको मिलेगी तो कैसे मिलेगी? हैं, आपने गुस्सा में तेज होकर दिया तो सही, लेकिन कैसे दिया? देखो, सामग्री भी गई, सपुण्य भी तो बनेगा भैया। सपुण्य बना, और तब तक क्या होता है, बेचारी बहू काम कर रही, वो एक आए भोजन करने के लिए, बेटा भोजन, आओ पिताजी दे देते हूँ, उनने करा है। दूसरे आए, बेटा भोजन, अब वो आ गए। अब तीसरे आए, बेटा भोजन, आओ सुना। अब अंत में आप ही पहुंचे, बेटा 4-5-10 लोगों के बाद, बेटा तुम्हारे भोजन। इतने 10 लोगों को हम ही मिलते हैं और कोई नहीं मिले, रख दे लो, खा लो। क्यों? क्यों? जिस भाव से दिया है उस भाव से मिलता है। जो हमने किया है वो नियम से आता है, जो समझ लो, जो आप वर्तमान में जो कुछ व्यवहार, जो कुछ वर्तन कर रहे हो, पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने उस दिन कहा था, और पूरा जैसा है वैसा ही आपके साथ होगा, और बल्कि अधिक होता है। कोई धर्म भावना से कट जाए बात अलग बात है। तो पूर्व में उस राजा अशोक ने, जब वही अशोक के भव में था, तब जानवरों को घास नहीं खाने दिया। आज वो कर्मोदय में आ गया। उस समय मुनराज को आरदान आदि दिया, सो कर्म तो कट गए, लेकिन वो जो कर्म बंधा था थोड़ा, वो निदत्ति निकाचित आदि कर्म ऐसे होते हैं जो उदय में आते हैं। तो बंद गया था, वही उदय में आया। लेकिन क्या करते, आरे तू जाए नगर में, पर हो जाए अंतराय, ज्ञानामृत बोजी मुनीश्वर माने ना निज अंतराय। अंतराय तो हो गया, पर अंतराय का अंतराय हुआ है, मेरा अंतराय कहाँ हुआ है? क्योंकि मैं तो निरंतर अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोज करने वाला हूं। जिसका अंतराय हुआ है, अंतराय वही उत्सव करें। प्रसन्न मुद्रा से चले जाते हैं मुनिराज, ऐसा लगता नहीं है इनका अंतराय हो गया है। क्यों? वे तो पहले ही नहीं चाह रहे थे भोजन करना, वो तो उस जाति का भाव आया और अंतराय कर दिया कर्म ने आकर। तो उनने कहा अच्छा रहा। एक कथा आती है, उसमें आता है, भैया ज्ञानी जन तो भोगों के अंतराय को पुण्य का उदय समझते हैं। कैसा पुण्य का उदय समझते हैं? ज्ञानी भावना बातें हैं कि हे अंतराय कर्म, जब मैं मोहिनी से प्रेरित होकर के और भोगों को भोगने जाऊं, मानो मैं निर्बल हो जाऊं, तो तू आकर अंतराय करना, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। पकड़ में आई सिद्धांत की बात? दो कर्म है, कौन कौन सा? एक मोहिनी और एक अंतराय। अब आप स्वयं नहीं चाह रहे थे, लेकिन उधर गए, और बीच में आकर उसने ऐसा विघ्न कर दिया कि भोग आपको मिल ही नहीं पाया। तो ज्ञानी कहते हैं बढ़िया रहा, पहले ही नहीं चाह रहे थे। कोई को पकड़ लाए धूप में, चलो पंडित जी के प्रवचन सुनवे चलो, भैया हमें तो काम है काम, अरे चलो बढ़िया कथा चलती है। तो जहां तक आए, तो तब तक किसी ने कहा वो पंडित जी आज प्रवचन नहीं कर रहे, वो तो निकल रहे हैं इसी में। तो कहा चलो अच्छा, ये तो पाप बढ़ेगा, ध्यान रखना। जो जो नहीं चाह रहा था ना, वो हो गया। ऐसी आप कोई को लौकिक विवाह में जाना था, उनका तुम्हें विवाह में जाना है, उनका स्वाध्याय का काल। आप लोगों को बहुत बार ऐसे निभाना पड़ते हैं। एक विवाह नहीं, कितनी आफतें आती, वहां जाना हो करना हो करना हो करना। तो अब तब तक क्या हुआ, वो जाना था कि आपको तो जहां आना पड़ेगा, साहब आना पड़ेगा, साहब हवाई अष्टांग का चल रही है, पंडित जी आए, बड़ा बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है, कि नहीं साहब देखो आपको आना पड़ेगा। तब तक वो तैयारी करी, जब तक उनका फोन आ गया को साहब वो गाड़ी में जगह नहीं है हमारी, क्षमा करना साहब आपको तो हमने तैयार तो कर लिया था, लेकिन वो हमारी गाड़ी में जगह नहीं है, इसलिए वो बारात अब आपको विवाह में नहीं ले जा पा रहे। आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया रहा, ये अंतराय। तो ऐसे ही समस्त भोगों को ज्ञानी महोत्सव मनाता है, भोगों के अंतराय। मुनिराज हार्द के लिए जाएं और अंतराय हो जाए तो प्रसन्न रहें, और निरंतराय अपने स्वरूप को साधें। कभी एक आध ग्रास मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी कुछ हुआ, लेकिन अपनी साधना आराधना में लगे रहते। अनेक रिद्धियां प्रकट हो रही हैं, उपवास हो रहे हैं, अंतराय हो रहे हैं, लेकिन शरीर में अलग प्रकार का तेज दिखाई दे रहा है। वो तपस्या का, वो रिद्धियों का, वो चैतन्य की रिद्धि को भाई, तो उसके से बंधे हुए पुण्य के फल में सविकल्प अवस्था में चैतन्य की भावना भाई, उससे बंधे हुए पुण्य में वो अनेक रिद्धियां प्रकट हो गईं, परंतु चैतन्य रिद्धि के आगे वे सब फीकी लग रही थी। क्या हुआ? स्वरूप तृप्त तप करते, परमानंद जरते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी। परम तृप्त चैतन्य में परिणति, लागे नहीं अंतराय। कैसे मुनिराज? अपने में तृप्त, अपने में परिणति। और कैसा लग रहा है उनको? अंतराय नहीं लग रहा। परम तृप्त चैतन्य में परिणति लागे नहीं अंतराय। कई माह से बीत गए विधि मिलती नहीं दिखा। अनारी नाथ में रमण कर चुदा नसाते हैं। धन्य मुनि की मंगलकारी। और इस प्रकार का वर्तन करते हुए वे मुनराज, क्या नाम था? तृप्त अपने में। यमुना किनारे अतपन योग में शुद्धात्म को ध्यान। यमुना नदी के किनारे आत्म स्वरूप में मग्न भगवान आत्मा में निमग्न थे। तभी वहां का राजा शिकार हेतु आए। उसी काल में जब ये मुनि भगवान धन्य अपने स्वरूप में मग्न होकर यमुना के किनारे आत्म ध्यान में मग्न थे, उसी समय वहां कौन आया? मुख्य दृश्य जो अंत में जो अपने सुनाना है, वहां का राजा शिकार के लिए आया। नहीं मिला कोई शिकार उसे अतिशय दिखलाते हैं। धन्य मुनि की मंगलकारी। ओ मुनराज का ऐसा अतिशय, जहाँ दिगंबर मुनि भगवान राजते हैं, रिद्धिधारी मुनराज राजते हैं, वहां कोई किसी को मार नहीं सकता, कष्ट नहीं दे सकता। ऐसा ही उनका अतिशय होता है। राजा सैनिक के प्रसंग में भी ऐसा ही आया है। तब क्या हुआ? हो निराश राज्य की ओर निपने चल दिया। करी मुनिवर के दर्शन उसको क्रोध भर आया। उधर उसको शिकार नहीं मिला था, क्रोधित था। इधर से मुनिराज के दर्शन देख के गया था कि तो कोई साधु खड़े, चलो चलो। और उधर लौट के क्या सो रहा है? इसी के कारण मुझे नहीं मिला, इसकी शकल देख लो। लोग वाक्य थे ना। हाँ, बात तो ऐसा ही है भैया। धर्मात्माओं के देख लेगा तो पाप तो नहीं कर पाएगा। हाँ, ऐसा तो होगा कि अगर देख रावण के वंशज लड़ते लड़ते और अजितनाथ भगवान के समोसरण में चले गए तो दोनों गले मिल गए। तो अभी गुस्सा ही भगवान के कारण हमारी लड़ाई खत्म हो गई। अच्छा रहा ना। पद्म पुराण में आता है दोनों लड़ रहे थे आपस में, और लड़ते लड़ते जैसे ही भगवान की सीमा, समोसरण की सीमा में उनका प्रवेश हुआ, और वैसे ही उनकी तलवारें फेंक गई और गले मिल गए। और जाके बड़ी भगवान की वाणी सुनी। तब उनको वंशजों को उनको कुछ दिया वो रावण के बोध। अजितनाथ भगवान, रावण हुआ मुनिसोव्रत के समय, मुनिसोव्रत भगवान के समय में है। मुनिसोव्रत नाथ भगवान के समय कौन हुआ? रावण। और उनके वंशज अजितनाथ भगवान के समय। हाँ, कहाँ पढ़ते हो? हमारे पुराणों में कितना विशाल वर्णन है। कहाँ से उनकी कथाएं शुरू होती हैं? कहाँ रखा इतना वर्णन? कहाँ रखा? कहीं यहाँ बता दिया कि इसको पकड़ रहा है, कहीं ये कर रहा है। कितना पवित्र आत्मा था रावण भी। लोग आग जलाते हैं, जलाने वालों पहले देख लेना रावण जैसे गुण है कि नहीं है। जो स्त्री मोह ना चाहता मैं नहीं चाहूंगा। कैसा सीलवान था। नलकुंवर की पत्नी ने प्रस्ताव रखा गंदा कि मुझे तुम अपना लो, हे दशानन मैं तुमको चाहती हूँ। तो रावण ने जानते हो क्या कहा? एक कर्णों को विदारण हारे शब्द मेरे सामने ना ही कहो। मैं पराजय तो स्वीकार कर सकता हूं, परंतु तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तब विभीषण ने युक्ति बताई। गजब की बात है। उस समय विभीषण ने युक्ति बताई, फिर समझाए कि देखो अभी अपन को इस राजा को जीतना है तो इसकी विद्या ले लो, उसके बाद में आपको समझ में आए ते करना। फिर उसके बाद में आप तो विद्या ले लो पहले। बोले ठीक है, तुम हमें विद्या दे दो किलावेद की। किलावेद की विद्या दे दी। उसके बाद में जीतने के बाद में जब वो आए कि माता तूने तो मुझे विद्या दी, सो तो तू मेरी गुरु हुई, माता हुई, और तेरे पति में क्या कमी है? हैं? उस नलकुंवर का तिलक किया, कहा तू तो मेरे छोटे भाई विभीषण जैसे हैं, वैसे ही संभालो, और आगे बढ़ गया। जब तक उसके अंदर में न्याय नीति रही, पवित्रता रही, तब तक विजय होती रही। पद्म पुराण ये कहता है कि तब तक इंद्र जैसा विद्याधर, इंद्र कोई वो नहीं था, उस एक विद्याधर था, विद्याधर बहुत समर्थ राजा, उसको भी जीत लिया, सील रहा, न्याय नीति रही तब तक। और ज्यों उसने समझा मैं तो छीन खंड का अधिपति मैं हूं, जो तीन खंड की वस्तुएं वो मेरे भोगने लायक है, मर गया। सीता कहां पर है? वो तो मेरे लिए सो है, और बस मर गया। जहां अहंकार आया, आपकी उन्नति तब तक होती रहेगी जब तक आपके कोई अहंकार खड़ा नहीं हुआ। भगवंतों की भक्ति बनी रहे हैं, चित्त में विनय वात्सल आदि गुण बने रहेंगे, आपकी उन्नति होती रहेगी। जहां आपको कुछ आपने अपने को समझा, पतन हो जाएगा। राजा विचार नहीं लगा, ये मोमनी है, इनको कारण से मुझे शिकार नहीं मिला, और गुस्सा में आ गया। हो निराश राज की ओर निपने चले दिया, करी मुनिवर के दरस उसको क्रोध भर आया। इसी के कारण शिकार न मिलाए दुर्भाव आते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी। क्रोधितयो बाणों से मुनि तन भेद रहा, तेज बाणों की सही आ रही, इसको मैं खाली करके जाऊंगा। और बाण चलाया एक वनराज के कई पैर में आकर लगा, और बाण के बाद बाण शुरू कर दी उसने। क्रोधितयो बाणों से मुनि तन भेद रहा, मुनि को क्या अपने कोई पापों से भेद रहा। मुनिराज को बाण लग रहा है, मुनिराज के तो तन में बाण लगा रहा था, और उसके तो ज्ञान में वो बाण लग रहे थे। पूरा शरीर बाण लगते जा रहे हैं, रक्त की धारा शुरू हो गई है। और मुनिराज धन्य तो ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, एक जरा सी ये बहिर दृष्टि में अगर जरा सा कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा होती है। और बाण पे बाण सांसा करके आ रहे हैं, और बेमुनराज जरा सी उप नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो मेरे जिए कोने दो के है, समता भाव भारी। और तुम्हारा समता, तुम्हें पे कौन सो कष्ट है। वो तो आनंद सागर में आनंदित होते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी। अब तारियां बंद कर देना, उपसर्ग का काल है। एक पे एक बाणिया मुनि तन भेद रहे, आनंदमयी सौम्य मुद्रा। बाण पे बाण लगते जा रहे हैं, और मुद्रा पर आनंद 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 आनंद, उपयोग चैतन्य में रमा हुआ है। और दिगंबर वे मुनि भगवान खड़े हैं, और वे बाण आते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, लेकिन वे मुनिराज तो चैतन्य में रमे हुए हैं। बाणों से तने विदा रक्त की धारा बाते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी। और इधर हे बब्बे जीवो, आचार्य कहते हैं बाणों के काल में निर्वाण साध रहे थे, तो तुम्हारे लिए कौन सा कष्ट है जो तुम ऐसी अवस्था में बैठकर भी निर्वाण नहीं साध पा रहे हो, आत्म तत्व को नहीं साध पा रहे हो। इधर धारा रक्त की बह रही है, वो गंगा का पानी। पुराणकार कहते हैं कि मुनिराज के शरीर की रक्त की धारा से वो यमुना का पानी लाल पड़ता गया, और यहाँ रक्त की धारा बह रही है, वो यमुना का जल लाल होने लगा है। लेकिन यहाँ तो मुनि भगवान चिदानंद ज्ञाता ध्रुव में रमे हुए हैं। अविचेन, इधर धारा रक्त की बह रही है, उधर अंदर धारा बह रही है, कौन सी वाली? अविचेन धारा वाई ज्ञान सो भेद ज्ञान वाए, कर्म कर्म फल सो न्यारे ज्ञायक प्रभु को ध्याए। इधर अब चिन्ह धारावाही ज्ञान से भगवान ज्ञाता द्रव्य की आनंद आनंद आनंद। अपने तो बाहर से देख रहे हैं ना तो कष्ट लग रहा है, लेकिन अंतर्दृष्टि से देख रहे वहां तो ज्ञायक भगवान में रमणी रमी हुई दशा। शुक्ल ध्यान बस अब बजा सकते हो तालियां, क्योंकि तो अब तो देवों ने आके बजाएंगी। शुक्ल ध्यान सो श्री मुनिवर सब कर्म नाशते हैं, धन्य मुनि के। आनंद हो गया, चला गया शरीर, जो दुख का कारण था वो शुक्ल ध्यान में चढ़ गए हैं। घातिया को नाश करके अघातिया को नाश कर और सिद्ध हो गए। सब कर्मों को नाश कर सिद्ध क्षेत्र पाया, परमानंद में परम तृप्ति में जीवन हो गया। जागे ऐसा पुरुषार्थ गुरुवर चरणन शिरनाते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी। आओ अतिशय ज्ञायक भाव का हमको दिखलाया। किसका अतिशय? ये भगवान आत्मा का अतिशय है। कैसे उपसर्ग के काल में भी आत्मा का उत्सर्ग नहीं किया, इसलिए कष्ट नहीं। आत्मा का उत्सर्ग ही उपसर्ग है। आचार्य भगवान कहते हैं ना, आत्मा का त्याग किया तो उपसर्ग है। क्यों भैया? अपने महाराज जी के कितने परिचय कहे हैं? मुनराज श्री के 22 हैं उप परिचय कहे हैं। गृहस्थों के कितने परिचय हैं? कहते भैया महाराज जी के 22 परिचय हैं। बड़े कष्ट है गृहस्थों को तो कभी कायगो परिचय। गृहस्थों के अनंत परिचय, क्यों? अनंत विकल्प। और उनके तो तन के परिचय हो, तुम्हारे तो चेतन के परिचय हैं। जे जो 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 राग विकल्प अनंत है ना, वो कौन से है? वे तो तन पे है, बाहर बाहर है। और भीतर तुम्हारे वास्तव में भी उनके तन पर उपसर्ग है, तुम्हारे तो चेतन पर उपसर्ग है। ये भोगों को स्थान पर बैठे हो, ये क्या है? उपसर्ग के स्थान है, ये भ्रमने के स्थान है, ये कष्ट के स्थान है। अरे आनंद का ठोर तो तेरा भगवान परमात्मा है। ये नंदीश्वर धाम में आए हैं, ये आनंद का धाम है। कहा था ना, नंद ईश्वर, आनंद का ईश्वर, आनंद का धाम है। ऐसे धाम में आकर के भी हम आनंद के धाम में ना जाएं। शुभारंभ में लिया था, नंदीश्वर धाम में आए और नंदीश्वर धाम के दर्शन करके ना गए, क्यों भैया? अगर कितने ही लेट हो जाओ, ये तो लगा रही भगवान के दर्शन करके तो जाएंगे। अगर नहीं, यहाँ से भगवंत के दर्शन कर पीठ देके चले गए तो सुख शांति हमें पीठ देके चली जाएगी। और एक जिन प्रतिमा तो कैसी है, शेष 1000 तीर्थंकर जितनी प्रभावना करें उतनी प्रभावना एक जन प्रतिमा होती है। इसलिए इस काल में भगवंतों का विरह पड़ता रहा, मुनराजों का विरह पड़ता रहा, लेकिन उस काल में भी हाँ हमारे जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं बराबर चलते रहे, पंच कल्याणक होते रहे, प्रतिष्ठाएं होती रही विद्वानों के द्वारा। और आज देश में ही नहीं, विदेश में मुनराज नहीं पहुंच पाए, लेकिन भगवान पहुंच गए। समझ में आया? मुनराज नहीं जाएंगे, त्यागी नहीं जा पाएंगे, हर एक जगह जा नहीं पाएंगे, लेकिन भगवंत ऐसे बिंबों के यहाँ करके भी और भगवंत के दर्शन ना कर पाए तो आप कहोगे भैया ऐसे कैसे? अब तो भले 5 हो गए, 7 हो गए, भैया जी ने खींच लाओ तो कछुआ तो नहीं है, हैं? क्यों? जो मुझे आज शाम को मांग लूंगा माफी अंत जाते जाते। ये पंडित जी बात तो सही है, समय से शुरू तो कर देते, समय से छोड़ा तो नहीं। मैंने कहा तो मुझे माफी मांगना है आगे वालों से बस। हमारा भी पुण्य का होता है, पुण्यों के कारण 70 मिनट मिल गया। हाँ। दूसरी बात क्या कहें, ये तुम्हारा ही हो गया, मेरे में शक्ति नहीं है। सच बोलते सुनील जी से पूछो जिस दिन मैं पहले दिन आया था, ये तो शकल देख के बेचारे परेशान है, इन्हें सोचा ना जाने का होगा। अब स्वाध्याय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो गद्दी का प्रभाव है, तुम्हारे पुण्य का योग है, हम थोड़ी सबका चुकरने करता धरता है, ये तो सब, ये तो कर्मों की व्यवस्था होती है, इनका करता धरता कोई नहीं है भाई। एक बार लोग कहने लगे प्रवचन कौन कर रहा है, वो देख के आए होंगे, पहले तो आवाज तो तेज आई लेकिन फिर हमें देखा बैठा हुआ, कहा जी पंडित जी ये प्रवचन कर रहे थे। हमने कहा अन्नूना भाव है आवाज में और शरीर में, मोटापन हो तो बहुत आवाज आए, ये कोई बात थोड़ी। पुद्गल पुद्गल का परवर, एक पुद्गल ऐसा दूसरा पुद्गल ऐसा, हम तो न्यारे है ना, और वस्तु स्वरूप है भाई। ये लोग कहते थोड़ा लेख लिख दो, मैंने लिखा नहीं होता, वो तो लिखा हो जाता है। अब मनोराज धन की कथा पढ़ रहा है, इतनी अच्छी लगी, अरे बहुत अच्छी कथा है, इस कथा को तो जन जन जाने हैं, ऐसे हमें तो ऐसा भाव है, तो तुमरे जी ये कौन दुख है, इस नाम से जितने मुनराजों की कथाएं वो एक जगह संकलित हो जा, तो तुमरे जी ये कौन दुख है, ये भव्य हर एक समय याद करो, तो तुमरे जी ये कौन दुख। ऐसे कष्ट में भी आत्मा की भावना भाई, तो तुम्हें कौन सो कष्ट है ये बताओ, जो आत्मा को भूल जाते हो। बाण लग रहे थे और वे आत्मा में रम रहे थे, तुम्हें कौन सा कष्ट है। अतिशय ज्ञायक भाविका हमको दिखाया, बहु उपसर्गों में आत्मा आनंद में दर्शाया, ओ उसी में लीनता हम भाव न भाते हैं, धन्य मुनि की मंगलकारी सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने। संध्या की बेला में चाकू लेके आ गया है कौन, हाँ बड़ा भाई युग बाबू, अपने छोटे भाई को मारने। देखो तो सही कसायों की विचित्रता। अब तू पाप करके किसी को प्राप्त करना चाहता है तो नहीं मिलेगा, तुझे नरक मिलेगा और नपुंसक वेद मिलेगा वहां। क्या फलाएगा उस राजा को, युग बाहु युगवीर बचेगा कि नहीं बचेगा। सती की कैसे कष्टों में साधना करेंगी। आज कथा की अंतिम बेला, अंतिम कथा अभी के प्रसंग की संध्या की बेला में 8 बजे अपन प्रारंभ कर देंगे। कथा का थोड़ा लंबा समय है इसलिए समय से ही कथा प्रारंभ कर देंगे अपन संध्या की बेला में। बोलसा सन्नायक भगवान महावीर स्वामी की, नंदी श्रद्धा में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की।